जो ही घटना की जानकारी मिली उन्होंने पदाधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम भेजा है। इसी बीच वह रिपोर्ट नहीं आई है, इसी बीच यह खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता प्रशांत पटेल और एक मोहम्मद तनवीर जो यूट्यूबर है जो एक देश एक नीति की बात करती है, वह बिहारियों को अपमानित करने के लिए उसके दल के प्रवक्ता अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बिहार के लोग अगर तमिलनाडु के अंदर हैं, फर्जी ट्वीट कर के सोशल मीडिया पर वीडियो डाल करके बिहार के लोगों को आप अपमानित कर रहे हैं। जब देश के अंदर कहीं कोई चुनाव लड़ सकता है तो देश का कोई भी नागरिक कहीं काम कर सकता है, किसी के कृपा से हम है क्या? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहारियों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, इसको लेकर तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार है। सर, बिहारियों को पीटा जा रहा है तमिलनाडु में और विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संवेदनशीलता के तहत जो ही घटना की जानकारी मिली उन्होंने पदाधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम भेजा है। इसी बीच वह रिपोर्ट नहीं आई है, इसी बीच यह खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता प्रशांत पटेल और एक मोहम्मद तनवीर जो यूट्यूबर है, इन लोगों ने यह फर्जी खबर फैलाया है। तमिलनाडु पुलिस ने उसको संज्ञान में लिया है। ये गंभीर विषय है कि भाजपा जैसी पार्टी जो एक देश एक नीति की बात करती है, वह बिहारियों को अपमानित करने के लिए उसके दल के प्रवक्ता अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये तो चिंता की बात है भाई, आप कर क्या रहे हैं? आप बिहार के लोग अगर तमिलनाडु के अंदर हैं, फर्जी ट्वीट कर के सोशल मीडिया पर वीडियो डाल करके बिहार के लोगों को आप अपमानित कर रहे हैं। ये तो निश्चित भाजपा बिहार को दिखाना चाहिए नैतिक बल। हिम्मत है तो बोले नरेंद्र मोदी को, बोले अमित शाह को कि भाई कार्रवाई करो, कौन है ये प्रशांत पटेल जिसने ये इतना घिनौना काम किया है। ये तो पूरे तौर पर साबित हो रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं साजिश में शामिल है। बिहार में बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग हंगामा कर रहे हैं, तब नीतीश जी टीम भेज रहे हैं। अरे भाई, तो हंगामा कर रहे थे प्रशांत पटेल पर, हंगामा कौन करेगा, के माथा में टिक्का लगावेगा? प्रशांत पटेल बीजेपी का प्रवक्ता है और उसने बिहारियों के खिलाफ साजिश की है तमिलनाडु में। बिहार बीजेपी के नेता को डर लगता है बोलने में, लाज लगता है, बेशर्म हो गए हैं ये लोग। कौन है ये प्रशांत पटेल जिसने बिहारियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा की टिप्पणी की और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग? पर कहीं ना कहीं पारस जी की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बिहार के लोग पलायन क्यों करते हैं, राज कर रहे हैं इतने दिनों से, पलायन क्यों नहीं रुका है? अच्छा, तो चिराग पासवान काहे पलायन कर गए उनके यहाँ से? राजनीति में पलायन करिएगा तो जाए जी, और देश के अंदर देश के लोग बाहर जा रहे हैं अगर काम करने के लिए, तो पलायन है। पलायन किसको कहते हैं? देश का नागरिक नहीं है क्या वो? भारत का नागरिक नहीं है क्या? उसके पास वोटर आई कार्ड नहीं है क्या? मतलब इसका है, जब देश के अंदर कहीं कोई चुनाव लड़ सकता है तो देश का कोई भी नागरिक कहीं काम कर सकता है, किसी के कृपा से हम है क्या कि हमारे कृपा से लोग हैं? तब तो अपना अपना लोग राजनीति में आप तो पलायन नहीं करते हैं। पशुपति पारस जी, आप तो भारत सरकार के मंत्री हैं, तो काहे पलायन करके दिल्ली रहते हैं? रहिए बिहार में, अपने क्षेत्र में रहिए, चिराग क्यों पलायन कर गया आपके यहाँ? सुधाकर सिंह बोल रहे हैं कि हमारे राज्य का कृषि के मामले देख लीजिए, एजुकेशन के मामले, सभी मामले में पीछे क्यों? अरे भाई, वो 420 के आरोपी हैं, 420, और उन पर हमको टिप्पणी करने में अपने लाज लगता है कि जो आदमी जेल गया हो घोटाला करने में, उस पर हम बोलें तो हम खुद शर्मसार होने लगते हैं। लेकिन मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि माननीय सुधाकर सिंह जी, आप तो पारिवारिक राजनीति से आए हैं, सिंचाई विभाग आप बहुत नज़दीक से जानते होंगे, तो रामगढ़ छोड़ के एकाध फीट सिंचाई का काम बांध पर मिट्टी पड़ा था, वो नीतीश कुमार जी का राज है कि बिहार में सिंचाई प्रबंधन का भी काम हुआ? तो आपके आप ही पैरवी करने गए थे मेरा ये कृषि कर्मन पुरस्कार हमको मिल जाए, NDA चाहे UPA की सरकार रहे, आप ही पैरवी किए थे कि 2018 में पशुपालन में हमको बेस्ट अवार्ड मिल जाए। मालूम है आपको कि नीतीश कुमार जी इस देश के पहले राजनेता हैं
जो अटल जी की सरकार में जब केंद्रीय मंत्री बने तो किसान नीति बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। उसके पहले इस देश के अंदर में किसान नीति नहीं थी। पर सुधाकर सिंह के ऊपर सो कॉल नोटिस जारी हुआ, आपके नेता पे बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे कि हम गलत क्या बोले हैं, जो नियम है उसी के तहत तो सवाल पूछे, सवाल पूछना गलत है क्या? तो अपने पार्टी वाला से ना पूछे भाई, जिनका पटिया उनको नोटिस जारी किया उनसे ना पूछेंगे कि हम तो जवाब देंगे। आपके नेता पे बोल रहे हैं ना, हमारे नेता पर बोले से हमारे नेता को क्लाइमेट लीडर कहा गया है, यही 420 वाला हमको प्रमाण पत्र देगा। अरे नीतीश कुमार को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्लाइमेट लीडर कहा है, नसीब हुआ होगा न? पारिवारिक राजनीति में नसीब होने वाला है न? बिहार नहीं, देश के किसी राजनेता को यह नसीब नहीं हुआ है। क्लाइमेट लीडर नीतीश कुमार को कहा गया है, तो पोल्यूटेड लीडर सब हमको प्रमाण पत्र देगा। पर सुधाकर सिंह को निकालने की बात कर रहे हैं आप लोग, निकालने की मांग कर रहे हैं, नहीं, ये हमारा विषय नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है, भाई अब कौन किसको रखेगा, कौन 420 को रखिएगा, कौन मर्डरर को रखिएगा, क्रिमिनल को रखिएगा, ये आपका विषय है। हमारा विषय तो हर खेत तक पानी है। आरजेडी में मर्डर क्रिमिनल 420 लोग हैं? नहीं, कोई भी पार्टी के अंदर में कोई कार्रवाई किसी पर नहीं करना उसके क्षेत्राधिकार में है। भारतीय जनता पार्टी में क्या हाल है अभी को अभी ना बताए प्रशांत पटेल, बीजेपी का प्रवक्ता, तके बनाए हुए सहवाला राजनीति का बीजेपी ने बनाए हुए है। अभी बीजेपी कहता है एक देश एक राष्ट्र एक नीति, तो देखिए फर्जीवाड़ा करने वाला कितना बड़ा है। तो चलिए, ये हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार थे, कह रहे थे कि एक देश एक नीति एक राज और बीजेपी के लोग प्रशांत पटेल को रखे हुए कितना बड़ा फर्जी कारोबार कर रहे हैं। उतना ही नहीं, सुधाकर सिंह को लेकर काफ़ी कुछ इन्होंने कहा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ, धन्यवाद।